नमस्कार मित्रों, मैं जो हूँ सो आज स्पेशली जो सब हाथों बस में चल रहा है, बादों में जो है सो खेतों के लिए हमें गर्मी उठ चुका है, इसलिए गर्मी के साथ बनाने का जा रही हूँ। देखिए ये इसे कहते हैं गर्मी, ये बाग में मिलता है, बाग में मिलता है, धान में रहता है, इसलिए लोग बहुत ही साग दिखाते हैं इसका, इसलिए मैं स्पेशली इसका साग बनने जा रही हूँ। ये देखिए ये सारा सब्जी है, इसे बनाऊंगी और इतना मैंने बनाया क्या क्या है। आज स्पेशल ब्लॉग बनाने जा रही हूँ जो गर्मी का साग और गेहूँ की रोटी बनाऊंगी। लेकिन अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं ये ब्लॉग, साग बनाना कैसे बनाएंगे ये सब मैं आप दिखाऊंगी। अभी मैं साग को फ्रेश ही कर रही हूँ, जो बिल्कुल जमीन की तरह है। इसको स्पेशली जो है ये गर्मी का साग है, ये कभी आया था इसका कतरा सूख गया है, इसके ये सिर्फ मूड़ी पर का पौधा मिलता है, इसको एक से तोड़ना ऐसे बस जो हरा भरा है इसको डंटी नहीं लेनी है, ठीक है। इसे इसी तरह से सभी साग को तोड़ लेंगे। मैंने कभी बनाया नहीं था लेकिन मैं फर्स्ट ही बनाने जा रही हूँ, फर्स्ट बार ही। जो बात जाता है वो पीने तो नहीं जाती, मेरी सास ने स्पेशल मेरे लिए भेजा है, मैंने ही बोला था जो एक बार मुझे भेज दीजिए साग कैसा रहता है, मैं खा के देखूंगी। इसलिए इसमें कच्चा प्याज आदि, प्याज कच्ची मिर्ची आदि, लहसुन सब इसको काट के चूर करके इसे इस तरह से अदरक डाल के इसे बनाने, इसे सिर्फ फ्राई करना है, मुझे उबालना नहीं है इसको, ये उबालने वाला साग नहीं है, इसलिए हम इसे पहले उबालेंगे नहीं। आपको मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी, आप देखते रहिए, बने रहिए इनको यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने गर्मी के साग को मैंने साफ कर लिए हैं, ये हो गया बनाने वाला, ये पत्ते हैं, देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं धोऊंगी, धोने के बाद इसे फ्रेश करके दिखाऊंगी आपको। इस तरह मैं बनाती हूँ, इसका ये बचा हुआ जो छटा हुआ है जो खाने जाए नहीं उसमें से हटा दिया। मेरा साग तैयार हो चुका है, इसके बाद में पूरा रेसिपी आपको दिखाने वाला है। कर लिए हैं
चुका है, इसमें करने को प्रारंभ करेंगे। इसे फ्राई करना पड़ेगा, पानी से निकाल दिया है। जो कुछ चिड़किले से भून लेंगे, गैस के लिए तो ठीक कर दिया है। इसे ढक देंगे। मलाई तैयार हो चुका है। ये स्वाद अनुसार नमक देंगे। मिला करके लो कम कर दूंगी। देखिए दोस्तों, देखिए तो मेरा साग कढ़ी का बन के रेडी हो चुका है। बन गया है, बंद करने वाली है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो है गेहूं की रोटी और कर्मी का साग बन के रेडी हो चुका है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं इनको ब्लॉग यूट्यूब शो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं करनी साग और रोटी खा रही हूँ। खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।